23,000 नावेद ने पूरा सेटअप कर लिया है, ये देखिए। बस अब मेकअप करने जा रहा है इनके। आर यू रेडी? यस। गाइस आप लोग देख रहे हैं कितना स्ट्रगल करते हैं हम लोग। देखो बेचारा साइकिल से जा रहा मुझे बैठा के। सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप। तो आज हम लोग उसके लिए जा रहे हैं ज्वेलरी में अपनी चची जान के वहाँ से। तो बहुत ही पास में है हमारी चची जान का घर, तो हम लोग साइकिल से जा रहे हैं बिकॉज़ हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने फटाफट से साइकिल उठाया और मैं चल दिया ज्वेलरी लेने। और बहुत ही पास में है हमारी चची जान का घर और मैंने उनसे बात कर ली थी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेने। और जब वीडियो की बात आती है तो मैं कुछ भी साइकिल भी चला लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, बस मेरा वीडियो बननी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ज्वेलरी लेने चची के घर। सो गाइस, यहाँ से हम लोग ने ज्वेलरी उठा ली है और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर। महविश को कहेंगे कि महविश नहीं मिला। हम लोग आ चुके हैं घर और हम लोग कर रहे हैं अपना सामान यहाँ पे सेट। अबे मैं कंघी वाली फोन चलाने भूल गया, जो काम की थी, जो काम की थी। या तो खैर इसको रखो, इनका दोस्त मिल गया हम लोग को। हाँ मेरा दोस्त मिल गया था महविश रास्ते में। मुंह कर दी गाइस, बहुत हल्की करी। 23,000 ये हंस रहे हलकट हंस। गाइस नावेद ने पूरा सेटअप कर लिया है, ये देखिए। बस अब मेकअप करने जा रहा हूँ इनके। आर यू रेडी? यस। तो बना तो गाइस सबको इनवाइट कर लो तुम, जिसको जिसको बुलाना है। बाय बाय तो करो इधर तो। सो गाइज लीव असाइड द जोक, वी डू मेकअप। सो गाइज आई एम गोना यूज फर्स्ट प्रोडक्ट इज टोनर। सो गाइज टोनर सबसे पहले आप लोग लगा लिया करो मेकअप करने से पहले, क्योंकि इससे हम लोग का जो है पसीना जो स्वेटिंग वगैरह होती है वो बहुत कम होती है। एंड द सेकंड प्रोडक्ट इज एलोवेरा जेल। गाइज इसको लगाने से आपके मतलब स्किन में बहुत ही अच्छा सा एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाता है। एंड हम लोग अब यूज़ करने वाले हैं सुज ब्यूटी का प्राइमर। सो गाइज ये हाइलाइटिंग का भी काम करता है एंड प्राइमर का भी, मतलब 2-in-1 है ये प्रोडक्ट। और आज जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है मोस्टली सुज ब्यूटी का प्रोडक्ट, क्योंकि अफोर्डेबल भी रहता है और प्रोडक्ट द क्वालिटी इज सो डैम, मतलब बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है एंड बहुत ही अच्छी क्वांटिटी रहती है इनकी। एंड यहाँ पे मैं इसके हेयर बैंड लगा रहा हूँ क्योंकि इसके बेबी हेयर बॉल्स हैं, तो इस वजह से इसको हेयर बैंड लगा के हम लोग प्रोडक्ट लगाएंगे अप्लाई करेंगे। तो या सो मोस्टली प्रोडक्ट हम लोग के स्विस ब्यूटी के होने वाले हैं और क्रेलॉन सुप्रा से मैं बेस बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो गाइस इस वजह से मैं मतलब अफोर्डेबल मेकअप रखता हूँ, क्योंकि
बहुत से लोग मतलब नहीं अफोर्ड कर पाते हैं हाई मेकअप, मतलब कम में करवाना चाहते हैं बहुत से लोग आजकल। क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल गया मेकअप। तो गाइस अगर हम लोग को बहुत ही मतलब अगर कहीं जाना भी है, बहुत से लोग तब भी मेकअप करवा रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा हाई मतलब नहीं करवाना चाहते हैं मेकअप, तो वो लोग थोड़ा अफोर्डेबल में जाना चाहते हैं। तो गाइज़ उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग सुज ब्यूटी का प्रोडक्ट यूज़ करा करें, वो अच्छा भी रहता है एंड बहुत सही भी रहता है। तो गाइज़ अभी हम लगाएंगे टिंट, बेला वीटा का है ये टिंट लिप एंड मतलब हर जगह का लगा सकते हैं आप, आई शेडो एज अ यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है स्प्रे, मेकअप स्प्रे, मेकअप फिक्सर, और अब मैं लगाऊंगा इसके ब्लशर टिंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो गाइज़ बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने लेके लगाया। अभी थोड़ा सा हम लोग को ये डरावनी लगेगी हमारी मॉडल, एंड इसको सेट होने के बाद ये बहुत ही अच्छा था अंदर से, नेचुरली इसके ब्लशर आएगा, ब्लश करेगा ये। तो गाइज़ आप लोग वीडियो में बने रहें, और अभी तक के आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया यार, कर लो यार सब्सक्राइब, मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी उस हफ्ते पहले आप लोग के पास पहुंच जाएगी। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके गाइज, तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में एंड स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाइए। सो गाइज, सबसे पहले हम लोगों ने करा कलर करेक्टर, वो है सुज ब्यूटी के कंसीलर से, एंड उसके बाद में हम लोग ने सुपरा के पैलेट से हम लोग ने एक कलर पिक करके एक कलर डार्क शेड वो हम लोग ने अप्लाई किया इसके पूरे फेस पे। अभी हम लोग का पूरा बेस यहाँ पे रेडी नहीं हुआ है, अभी हम लोग लगाएंगे एक और बेस इसके ऊपर से सुज ब्यूटी का। ये है हमारे पास फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा कलर मूस फाउंडेशन है ये मूस, और बहुत ही लाइट कवरेज है इसकी, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने हल्का सा फाउंडेशन लगा रखा है। तो गाइस ये है एक लाइट शेड इससे, और एक हम लोग ने लगाया था एक डार्केस्ट शेड, अब हम लोग ने लगाया लाइट शेड। तो इसको भी हम लोग अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड इसके बाद हम लोग करेंगे आई मेकअप। गाइज ये हमारा यहाँ पे बेस निकल के आया है, एज़ यू कैन सी दैट, देख सकते हैं आप लोग ग्लो भी आ रहा है एंड बढ़िया, मतलब कितना अच्छे से फेस इसने पूरा कवर कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं सुज ब्यूटी का फाउंडेशन कितना प्यारा है, मतलब बेस, और यहाँ पे बिलल्लापन भी होता है बीच बीच में हमारी वीडियो में। तो गाइज ये है बीबी का बेस मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका बेस को सेट, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसे हम लोग करेंगे बेकिंग, अभी हम लोग करेंगे इसके ऊपर बेकिंग, मतलब इसके ऊपर बेकिंग नहीं, इसके अंडर आई के नीचे वाल बेकिंग करेंगे अंडर आई पे, एंड जॉ लाइन के पास हम लोग थोड़ी सी बेकिंग करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ से स्वेटिंग आती है वहाँ वहाँ पे हम लोग बेकिंग। अच्छा, हमको सिखा रिया है और आज डस्ट नहीं है। तो गाइस दिस लहंगा इज माय मम्मा लहंगा, लुक एट दिस। तो गाइस अब हम लोग करेंगे आई मेकअप, पहले हम लोग लगाएंगे कंसीलर आई के ऊपर ताकि हम लोग का जो है आई के ऊपर बेस बढ़िया बन जाए, क्रीज लाइन वगैरह मत आए, और इसको बढ़िया कॉम्पैक्ट पाउडर से हम लोग सेट करेंगे एंड अब स्टेप बाय स्टेप देख लो। सुच को मैं तेरे लो
रहे हो हैं? होता है यार, हुआ पुराने जमाने की तो क्या नहीं। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके। हरामी इतनी अच्छी वीडियो आई थी, हर दिन में आना ऐसी। गाइस ये देखिए इतना अच्छा मेकअप हो जाता है तो लोग इतरा जाते हैं। फर्जी में गाइस, फर्जी में। कोई